you <music> सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की जीते जी मुक्त होना कठिन तो है ही पर जीते जी मुक्ति क्या है यही लोग नहीं समझते जीते जी भगवत प्राप्ति जीते जी सदगति मुक्ति मुक्ति कोई ऐसी नहीं है कि यहां से जाके वहां मिलती वो स्वर्ग है अगला जन्म तो होता है मुक्ति तो जब होगी उसी जीवन में होगी भले अगले जीवन में हो लेकिन होगी तो जीवन काल में ही हो जाएगी मृत्यु के बाद नहीं इसीलिए एक शब्द है जीवन मुक्ति मुक्ति के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ है जीवन मुक्ति दूसरा शब्द है विदेह मुक्ति अर्थात देह न रहना जीते जी, जी जो मुक्त है उसका देह न रहना भी मुक्ति है और जो जीवन में मुक्त नहीं होता विदेह मुक्त नहीं होता विदेह होते स्वर्ग जाएगा विदेह होते अगला जन्म लेगा देह छोड़ते कुछ और होगा मुक्त नहीं होगा विदेह मुक्ति का मतलब है यह है कि जो ज्ञान हो चुका है मुक्त है उसका देह छूटना बाकी है जैसे जेल में बंद व्यक्ति फैसला हो गया कोर्ट से कि आदमी निर्दोष है या जेल का समय पूरा हो गया तो मुक्त हो गया पर अभी जेल के भीतर है अंदर से तो निर्दोष होने से वो जेल से मुक्त हो गया मानसिक तौर पर वो मुक्त हो गया पर शरीर और व्यक्ति का जेल के बाहर आना बाकी है तो शरीर में रहते हुए जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए वो मुक्त हो गए अब रह गया शरीर का छूटना उसके हथकड़ी और बेड़ी पड़े होते भी जेल के भीतर ताला लगा होते भी जेल के अंदर है पर वो मुक्त हो गया तो इसी तरह से इस शरीर के इंद्रियों के मन में रहते जो आत्मज्ञ हो गया गुणातीत तो हो गया वो मुक्त हो गया पर जेल में तो फैसला हुआ बाहर इसमें फैसला हो गया कि तुम मुक्त हो बरी हो लेकिन शरीर में अभी हो और ये एक दिन में नहीं जाने वाला शरीर अभी शरीर में अभी दस वर्ष पचास वर्ष रहना है जीवन मुक्त को शरीर में रहना पड़ेगा जो जो भी ज्ञानी जन मुक्त हुए महर्षि रमन रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद अरविंद रामतीर्थ इसी तरह से कोई और शंकराचार्य वो मुक्त है लेकिन शरीर में शरीर में होने से कुछ कष्ट होंगे एक लड़की की शादी हो गई भले अभी ससुराल नहीं गई या हो भी आई लेकिन अभी मायके में है अपने मां के घर है पिता के घर है तो व्यवहारिक रूप में वो यहां है व्यवहारिक रूप में पति के घर नहीं है चूंकि शादी हो गई इसलिए पति की हो गई यदि आपका भी आपका जो जीवन है आप जो हैं आपका जो मैं है यदि ब्रह्म के साथ हो गया चला गया हो आया तो अब फिर देह में आएगा दुकान में आएगा लेकिन अब आपको गुरु की जरूरत नहीं रहेगी अब आपको दोबारा ब्याह की जरूरत नहीं जाना आना है ब्याह बार बार नहीं इसी तरह से एक बार ज्ञानी अपनी ब्रह्मता को प्राप्त हो गया बस हो गया अब गुरु नहीं चाहिए अब रास्ता दिखाने वाला नहीं चाहिए देह में आएगा देह में रहेगा फिर वापस जाएगा पर एक दिन देह ही नहीं रहेगा अभी तो देह में आएगा लौट जाएगा देह में आएगा लौट जाएगा अपने घर परमात्मा से जुड़ता रहेगा पर एक दिन देह न रहेगा तो विवाहिता लड़की की दो अवस्थाएं जब घर और मायका का माता पिता हैं, तब विवाह के बाद और विवाह के बाद घर भी न रहे तो मायके के क्या आने का प्रश्न या पहले बेटियां आती जाती हैं जब वही बच्चे हो जाते हैं वही रहने लग जाते हैं तो घर आपे छूट जाता है तो इस देह में क्यों आते हो तुम ना भी आना चाहो हम नींद में चले जाए ना आना चाहे हम ध्यान में चले जाए ना आना चाहे तो भी आना पड़ता है आपने किसी ध्यान वाले संत को देख देखते हो ना आता है कि नहीं ध्यान में गया फिर आता है इन आंखों में इन हाथों में रामकृष्ण परमहंस को तो हमने सुना है कि बीज बीच रसोई में झांकते थे किचन में भोजन की बात करते थे तो किसी ने चाहे उन्हीं की माँ शारदा ने ही कहा हो कि इतने बड़े ज्ञानी होकर इतने ऊंचे होकर भोजन में आपकी ललक बनी है बार बार तो उन्होंने कहा ये ज्ञान हो गया और कोई इच्छा तो रह नहीं गई अब ये शरीर है मन है भूख है तो यही रह जाती है और कोई इच्छा स्वर्ग जाने की है नहीं कोई नरक लायक काम नहीं है और कोई मन में भय नहीं है सिर्फ भूख रह गई है और खाने का तो दे और यदि ये, ये भी कह दिया कि हाँ जिस दिन मैं भोजन न मांगू समझ लेना मैं जाने वाला तो इसी तरह से जिस दिन ज्ञानी आँख खोलने का मन न करे बोलने का मन न करे खाने को मन न करे किसी से लेना देना ना रहे तो समझो अब शरीर में नहीं आना तो अभी हम शरीर में आएंगे फिर ध्यान में जाएंगे चिंतन में जाएंगे जैसे शरीर रहते फिर देखो रोज सो जाते हो सपनों में जाते हो फिर स्वप्न से जाग के शरीर में आ जाते हो फिर नींद आएगी फिर स्वप्नों में जाओगे पर देह न रहेगा तो शायद सपनों में भी ना जा सकते मेरा ख्याल है कि यदि देह न रहे तो फिर सपना भी देखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सपना भी इसी देह में कहीं ना कहीं हिता नाम की नाड़ी में रहकर देखते हो भले तुम शरीर को नहीं देखते पर होते शरीर में ही हो तभी स्वप्न देखते हो इसी तरह से मैं यहीं बैठे बैठे ध्यान करते करते मान लो मंदिर और वहां भगवान के दर्शन करने लगा एक ध्यान का साधक ध्यान में बैठे एक पहाड़ी पे चढ़ गया शरीर यहीं रहा पर उसका एक भाव देह बन गया पहाड़ी पे चढ़ गए वहां सांप ने पकड़ लिया चिल्लाया डरा राम, राम 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 करा तो सांप ने नहीं काटा अभी इस देश से ही बैठा है दूसरे देश से वहां गया लेकिन वो इसी शरीर में रहकर देख रहा है भले इस शरीर को भूल गया तुम भी स्वप्न में इस शरीर को भूल जाते हो पर यहीं इसी देह में कहीं रहकर स्वप्न देखते हो ध्यान वाला यही रहते पहाड़ी में चढ़ गया इसी तरह हम इसी देह में रहते स्वप्न देखते हैं यदि देह ना हो तो स्वप्न देखना भी मुश्किल हो जाए यदि इस बिना देह के ध्यान हो सकता तो जिसके शरीर नहीं वो भी ध्यान कर ले। इसलिए शरीर तो है अब ये शरीर ना रहेगा जब मृत्यु के बाद तब उसको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है पर अभी जो आम लोग हैं उनका शरीर नहीं रहेगा तो शरीर प्राप्त करेंगे शरीर की उनको जरूरत है अभी उनके कर्म हैं, फल हैं भोग हैं भोगने के इरादे हैं इसलिए शरीर में आएगा मृत्यु के बाद तो मृत्यु के बाद एक लौटता है एक नहीं लौटता इसलिए उसे विदेह मुक्ति बोलेंगे देह न रहने के बाद जो नहीं लौटते वो विदेह मुक्त हो गए जो आते हैं वो मुक्त नहीं है वासना वाले पर मृत्यु के बाद जो होगा वो यंत्रवत हो जाएगा एक का ना आना एक का आना वो होगा लेकिन वो निर्भर है अभी की हमारी सोच पर उस मृत्यु के पहले जो हमने अनुभव किया उसके आधार पर या कर्मों के आधार पर ज्ञान के आधार पर शरीर छोड़कर ना आएंगे क्योंकि अभी हम नहीं आना चाहते मुक्त हैं और एक आना चाहता है शरीर तो उसका भी गया पर वो फिर आ जाए फर्क मृत्यु के बाद दो तरह की पर मृत्यु के पहले शरीर रहते भी दो तरह के लोग हैं एक मुक्ति चाहते हैं एक नहीं चाहते सब लोग मुक्ति नहीं चाहते यद्यपि घुमा फिरा कर देखें तो सब चाहते हैं पर वो मुक्ति एक ऐसे चाहते हैं कि कहीं जगह होगी मरेंगे वहां चले जाएंगे असल में हमारे अंतकरण में तीन गुण हैं रजोगुण तमोगुण सत्वगुण शरीर रहते काम करते हैं कल भी हमने कहा था कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि शरीर में हो और सोए नहीं एक दिन नहीं सोएगा दो दिन नहीं सोएगा सोएगा ऐसा भी नहीं कि सोया है जगह नहीं तो शरीर रहते ये आपके बस में नहीं है पूरा आपका अधिकार नहीं है शरीर रहते तुम सोचो बूढ़े ना हो बल्कि सोचते ही हो कि ना हो थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हो पर बूढ़ा होना एक प्रकृति का नियम है तुम्हारी इच्छा से क्या होगा हाँ शरीर नहीं होगा तो बूढ़े भी नहीं होगे मान लो अगला जन्म नहीं होगा तो बूढ़े कैसे हो तो ये अध्यात्म और सत्संग भी एक साइंस है साइंस है एक विज्ञान है पर यदि ये नहीं हो सकता तो दूसरा सिद्धांत है जो करोगे सो भरोगे जैसी इच्छा वाले होगे वासना वाले होगे कर्म वाले हो गए तैसा अगली यात्रा होगी इसीलिए आम आदमी यदि ज्ञान न प्राप्त करें तो अच्छे कर्म करें धर्म पूर्वक चले नहीं तो अभी ऐसा नहीं है कि चोर को चोरी करने में धन मिल जाए तो पकड़ा नहीं जाता चोरी में सफल हुआ पर अपराध होने से पकड़ा गया ये बलात्कारियों को उस समय आनंद ना आता होगा ऐसा नहीं है व्यविचारियों को लेकिन बाद में होता है ये इसलिए कर्म का अलग सिद्धांत है जैसे कर्म वाले गए तैसा दंड मिलेगा भले कर्म करते आप सफल हो गए व्यविचारी सफल होता है चोर सफल हो जाता है हत्यारा सफल होता है मर्डर कर आता है तो केस बाद में नहीं चलता चूंकि सफल हो गया मर्डर में सफल हो गया तभी तो केस बन गया तो सफलता अलग विषय अपराध अलग है सफलता होने पर वो अच्छा नहीं हो गया यदि हम बुरे काम करने में सक्सेस हो गए तो पाप नहीं लगेगा तो हमको ये देखना है कि हम सफल ना हो बहुत अच्छा कल परसों मैंने एक बात कही थी एक हमारी शिष्या कभी कभी प्रवचन में बोलती थी कि एक शिकारी शिकार खेलने गया उसने शिकार को बाण मारा सफल नहीं हुआ सफल नहीं हुआ फिर भी एक अच्छा काम हो गया कोई जीव हत्या नहीं हुई तो उसने खुशी मनाई हे भगवान मैंने तो पाप की तैयारी कर ली थी पर तूने अड़ंगा डाल दिया तू बाधा बन गया तो मुझे हत्या में सफल नहीं हुआ शिकार में तो बड़ी कृपा की इधर से सोचा सफल तो नहीं हुआ एक बुरी बात सी लगती है असफलता लेकिन पाप में असफलता भी एक सफलता है पर हम लोग नहीं ये सोचते तो ये ब्रह्मचेतना नाम की एक हमारी शिष्या ये बोलती और कहते शिकार हो गया तो शिकार की सफलता हो गई मन सफलता चाहता है चोरी को चोर चोर को चोरी में सफलता मिली तो खुश होके नहीं लौटेगा खुश होके लौटेगा पर रिपोर्ट हुई कोई गवाह मिल गया पकड़ा गया अब दंड मिलेगा तो कर्म में सफलता एक बात है और कर्म में असफलता एक बात पर उसके परिणाम दूसरी बात है। इसलिए हम जब कर्म करें अच्छे कर्म करें क्योंकि भविष्य में उनका फल मिलेगा और जिस जिस वासना वाले हो वैसे वैसे स्वप्ने देखे जाते छोटे में हम रुपए मिलने के सपने देखते थे कुछ दिनों में पढ़ाई के सपने देखते थे फिर गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव का प्रवचन सुनने का और स्वामी जी की रोटी सेवा करने का स्वप्न आता था रोटी बना रहे दाल ठीक नहीं पकी स्वप्न में सपने भी बदलते हैं, जैसी जैसी वासना और हमारी सोच बदलती है सपने चेंज होते ऐसे ही हमारे इरादे अच्छे बनेंगे तो जन्म अच्छा होगा अगला जन्म अगला जन्म इस समय पर निर्भर है तो इसलिए आम लोगों को पवित्र कर्म करना चाहिए यहां से शुरुआत है यात्रा की बुरे काम छोड़ना चाहिए यदि आप परवाह नहीं करेंगे तो आज नहीं कल अभी नहीं कभी इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भोगना पड़ेगा इस जन्म में भी कई संकट आपके ऊपर आते होंगे नहीं आते ना क्यों आ गए कभी पूछा अब तुम्हारे ही किसी कर्म का फल है अब ये अच्छा तो नहीं लगता लोग यहां रोज आते हैं कोई ना कोई समस्या लेके आते हैं कोई ना कोई संकट है कभी पूछते हैं क्यों आता है यदि पहले जन्मों के कर्म आपके ठीक नहीं थे तो ये हो रहा है और आज भी कर्मों के प्रति सावधान नहीं है कर्मों के प्रति सावधान नहीं है सावधान है कि आगे ठीक हो तो भविष्य को ठीक कब करोगे आज और आज यदि ठीक नहीं है तो कल का आप ही का है किससे कहते हो किससे चिल्लाते हो कौन कर देगा यदि प्रबल पाप होता है पूर्व जन्मों का तो कटता नहीं कई बार छोटे अनुष्ठान से कट जाते हैं कई नहीं कटते कई बार रोग दवा से ठीक होते हैं कई बार नहीं ठीक होते अब दवा तो वही है नहीं ठीक होते मंत्र तंत्र से भी रोग ठीक होते हैं पर कई को सब करालो नहीं होते हैं। कई अपराधों में न्यायाधीश माफ कर सकता है कुछ नियात को ये कई नहीं माफ किए जाते तो कहीं ना कहीं न्यायाधीश पक्षपाती नहीं है वो केस की गहराई को देखता है इस तरह से हमारा जो आज का जीवन है वो भी हमारा निर्माण किया हुआ है इसके बीज हमने पहले बोए थे जो आज काट रहे हैं और कल जो काटना होगा उसके बीज आज बोए जा रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे पर वो भविष्य नजर नहीं आता नहीं ख्याल में आता इसलिए हम जब करें तब करें भजन करें ध्यान करें मुक्ति के लिए नहीं करें तो अगले जन्म के लिए करें और मुक्ति के लिए तो कर्म की बात है ही नहीं न कर्मणा न प्रजया हाँ बहुत कर्मों से बहुत संतानों से मोक्ष नहीं होता वो तो, तो केवल आत्मज्ञान से होता जब मोक्ष चाहिए भोग चाहिए तो अच्छे काम करो भोग ही चाहिए धन चाहिए तो अच्छे काम करो कई लोगों को इस जन्म में मिला हुआ है पहले जन्म में अच्छा किया होगा दान धर्म किया होगा अच्छा परिवार मिला है पहले जन्म में नेक किया होगा नहीं तो कई को भूख मिली भोजन नहीं मिला कई को शक्ति मिली अपोजिट सेक्स पति पत्नी नहीं मिले कई को मिले भोग सामर्थ्य नहीं मिली कई लोगों को दान का दिल मिला है पर दान की सामर्थ्य नहीं है ही नहीं और कई को धन मिला है पर दान देने का सौभाग्य उनके जीवन में नहीं है जरूरी नहीं है कि वस्तु हो तो आप भोग सकें कई को भोजन बहुत मिला है हाजमा नहीं है और कई गरीब लोग दिन भर काम करते इतनी रोटियों की गड्डी ऐसे खाते हैं कि उनको खाते देख के बड़ा लगता है कैसा आनंद ले रहे जानवरों को खेलते देख करके भी कभी आनंद लिया करो कैसे आनंदित हैं हमने एक बार जून के महीने में मध्य प्रदेश में लग गई दिन में हमको सौचमंडल तो गए तो देखा आदिवासी वनवासी पत्थर ढो ढो के रेल की पटरी में जहां डालने थे गिट्टियां डाल रहे थे तो आपस में दोपहर के एक बजे कंपटीशन कौन पहले जाता है दौड़े ओसे वैसे हम देख के दंग जिस दो पहाड़ में लोग दुखी होते आनंद में हैं, तो एक तरह से धन तो नहीं है उनके पास लेकिन कोई ना कोई पुण्य है जो सुख है उनके साथ और कई के पास धन है पर जब देखो रोते मिलते हैं, कोई पुण्य है तो धन मिल गया पर कोई पाप है जो सुख नहीं लेने दे रहा सुखी नहीं रहने दे रहा कभी कभी तो साधु महात्माओं तक का कोई खोटा प्रारब्ध है शरीर रोगी बन गया कई खोटा प्रारब्ध है अच्छे होने पर परिस्थितियां ऐसी आ गई तो पुराना नाभुक्तम छिये ते कर्म जन्म कोटिशत रखू पूर्व जन्मों के कर्म बिना भोगे जा नहीं सकते इसलिए हर व्यक्ति को पहले कर्म करने में धर्मात्मा होना चाहिए हमारे गुरुदेव बोलते थे यहां राज नहीं पोपाबाई का है हिसाब राई राई का है हाँ छोटा छोटा सब हिसाब है परमात्मा के हा आप रखो ना रखो आप भूल जाओ कई बार कर्ज लेने वाला भूल जाता है पर जिसका लिया है उसके यहां नोट है इसलिए हम जब दुखी में तो इतना ही नहीं कि दुखी हो ये भी याद करो कि अच्छा है पुराना कट जाएगा जो करके आए हैं वो मिल रहा है हे भगवान आगे ऐसी नौबत ना इसलिए हमसे बुरा ना हो यदि चोर पकड़ा जाए तो जेल काट के इस बात को माने अच्छा है मुझे दंड मिला आगे नहीं करूंगा हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए एक गलत काम से यदि नुकसान हुआ तो आगे की प्रेरणा लें इसलिए समझदार आदमी के ये लक्षण है ना समझ आदमी बार 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 क्यों वो ये समझता है ये दुख है, ऐसे ही आ गया है ऐसे किसी को नहीं मिलता बिना अपना किया कर्म अपने को नहीं मिल सकता इसके लिए भी शास्त्र कहते हैं कि गाय का बछड़ा अपनी गाय के पास ही दूध पीने जाता है तो हमारा कर्म ही हमारा खून पीने आता है हमारा कर्म ही हमें सुख देने आता है हमारा पैदा किया जिसका बछड़ा उसी की तरफ जाता है तो हमारा किया कर्म हमारा पीछा करता है धर्मानुगो गीवे का जहां जीव जाता है धर्म अर्थात पुण्य उसके पीछे जाते हैं जहां चला जाए वो स्वर्ग चला जाए नरक चला जाए पाकिस्तान जाए कलकत्ता जाए बॉम्बे जावे दिल्ली जावे हरिद्वार जावे आ, वो चला जाता है वो नहीं छोड़ता पर आदमी सोचता ही नहीं इसीलिए इस जन्म के कष्ट निवृत्त करने के लिए ज्ञान नहीं है इस जन्म के तो करके आए हमें भी भोगना पड़ेगा तुम्हें छोड़ो हमें भी साधु को भी भोगना पड़ेगा लेकिन साधु इसलिए नहीं बने कि पुराना ना भोगना पड़े पुराना ना भोगना पड़े इसलिए साधु नहीं बने इसलिए कि आगे भोगने लायक काम न करें और मोक्ष इसलिए नहीं कि इस जन्म का रोग हमें नहीं होगा रामकृष्ण परमहंस को कैंसर महर्षि रमण को कैंसर शंकराचार्य को भगंदर इतने बड़े योगी जो अपने शरीर को छोड़कर दूसरे के शरीर में जा सकते हैं उनको आप यदि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इस जन्म के कोई कष्ट ना होंगे ज्ञान इसलिए नहीं प्राप्त करते कि हमें माफ किया जाए ज्ञान इसलिए कि अगला जन्म ना हो यदि जन्म के कष्ट सब ऐसे हटाए जाते तो जन्म लेते रहने में नुकसान क्या है जन्म होगा तो प्रारब्ध के अनुसार होगा इसीलिए जीवों का जन्म अपने कर्मों के फल भोगने के लिए होता है परमात्मा राम कृष्ण आदि का जन्म हित के लिए होता है उनके अपने कोई कर्म नहीं है पर कई लोग तो ये भी कहते हैं इनके भी कर्म थे ये कृष्ण को जो बाण लगा वो कारण था इनके साथ जो गड़बड़ हुई वो भी कहते हैं कर्म थे चलो दो सिद्धांत हैं एक तो ये कि वो अपने कर्म फल के भोगने को नहीं आते दूसरों के कल्याण के लिए आते हैं और या तो ये मान लो कि यह भी कुछ ना कुछ कर्म है तो आए हैं जैसे कोई एक महात्मा जेल चले गए गलती तो थी थोड़ी तो वहां दंड में क्या सुनाया कि ये सबको कथा सुनाएंगे जेल में बात समझ में आई जेल तो गए गलती के कारण पर कथा सुनाने का काम इसलिए मिला कि योग्य थे अच्छे संस्कार थे कथा सुनाओ कई को कहेंगे ये काम करो सश्रम जेल तो उनको कथा की जिम्मेदारी दे ऐसे ही जो योगी पुरुष किसी छोटी मोटी गलती से मुक्त नहीं हुए आए तो जगत का काम करते पर जो गलती की है वो भोगनी तो पड़ेगी जेल में तो रह नहीं पड़ा हमने महात्माओं को भी जेल रहते देखा तो यदि शरीर में आए तो जेल में आए हम भी जेल में आए पर जेल में रहकर कुछ अच्छा औरों का भला करते रहेंगे और आगे के लिए जेल ना आना पड़े उसका उपाय करेंगे अब ये जो यदि पांच साल की सात साल की हो गई वो तो सात साल की हो गई सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया सात साल का भोग पर आगे कभी जेल में ना आना पड़े कर सकते इसी तरह इस शरीर में आ गए तो बुढ़ापा होगा कर्म किए होंगे तो रोग होगा कर्म गड़बड़ होंगे तो समाज परिवार अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन आगे का कुछ उपाय करो आगे के दो अगले जन्म का करो या जन्म में ना आने का करो दो ही उपाय है अगला जन्म अच्छा हो स्वर्ग जावे या मुक्त हो जाए आवागमन के चक्कर से छूट जाए तो ब्रह्म ज्ञान अगला जन्म सुधारने के लिए नहीं है ब्रह्म ज्ञान स्वर्ग के लिए नहीं है ब्रह्म ज्ञान जन्म मरण से छुट्टी पाने के लिए और ब्रह्म ज्ञान इस जन्म के रोग ठीक करने के लिए नहीं है नहीं रामकृष्ण परमहंस कर लेते महर्षि रमण कर लेते उन जैसा कौन है ज्ञानी शंकराचार्य जिनके हम लोग अनुयायी हैं उनको रोग फिर वो दुख वो इस बात के कारण दुखी नहीं है कि टांग दुखती है तुम लोग टांगे ठीक कराने आते हो ज्ञान व्यन लेने नहीं आते वो ये कहेंगे कि ये होना है होगा हमें जो करना चाहिए कर रहे हैं हमें ज्ञान पाना चाहिए ज्ञान पा रहे हैं अगला उपाय कर रहे हैं ये रोग हैं दोष हैं आए हैं जाएंगे परिवार अच्छा बुरा मिला है मिला है क्या करोगे ठीक होना है तो हो ही जाएगा जितने दिन का खोटा होगा उतने दिन रहेगा बाद में ठीक हो जाएगा ये इसको तुम ठीक कर लो ये शास्त्र नहीं कहता शास्त्र कहता है गलती करके अगला जन्म ना बिगाड़ो या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस चक्कर से मुक्त हो जाओ लक्ष चौरासी घूम के पौ पे अटकी है अब की पास आना पड़े तो फिर चौरासी जाए यदि ये मौका गंवाया तो फिर चौरासी में जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा तो कर्मों के अनुसार चक्र चलता रहेगा और किसी जन्म में कोई पाप किसी जन्म में कोई पुण्य चलता रहेगा उठते गिरते रहेंगे जैसे रहाट ऊपर जाता है नीचे जाता है कुएं में पानी भरने वाली बाल्टियां डालते थी नीचे जाती थी भर के ऊपर आती थी ऐसे ये जीवन चलता रहता पुण्य और पाप जन्म का हेतु है और पुण्य पाप के अनुसार जन्म होता है जन्म और कर्म का हेतु और है अज्ञान अज्ञान और वासना इसलिए हम शरीर रहना पसंद न करें हम शरीर हो ही नहीं हम व्यक्ति हो ही नहीं न व्यक्ति होंगे न रहेगा बांस न बजेगी बास व्यक्ति होंगे तो जमा करेगा पाप करेंगे रोग होंगे अपना पराया होगा हम हैं तभी तो अपने हैं हम ही ना हो तो अपना कौन तो हम ही ब्रह्मलीन हो जाएं, हम ही परमात्मा में समा जाएं, अलग हमारा अस्तित्व तो ना हो हे प्रभु हम आपसे अलग ही ना हो व्यक्ति बने ही नहीं अपना कुछ बनाए ही नहीं अपना बनाएंगे तो भोगेंगे अपना बनाते दुख सुख हो जाता है आपको अपने लड़कों की चिंता है कि सबके लड़कों की आपको अपने रोग की चिंता अपनों की चिंता सबकी काम है इसलिए अधिक न कहकर थोड़ी देर भगवान नाम का जप मंत्र जब करेंगे आज सचमुच जब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे आंखें बंद करें मन को एकाग्र करें भीतर से सजग हो जाए और सच्चे मन से कोई मंत्र का जाप थोड़ा सा जबान का सहारा लेके करें आवाज नहीं करें कोई ओम नमः शिवाय करे कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय करे कोई राम रामाय नमः करे कोई ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्छे करे कोई गायत्री मंत्र करे कोई हनुमान मंत्र करे कोई विष्णु मंत्र करे जो तुम्हें आता हो आप शांत होकर आंख बंद करके आंखें बंद करके शरीर को स्थिर करके मन को शांत करके होश पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा बहुत आवश्यक है अश्रद्धा से अश्रद्धयाहूतम दब तपस्तपतम करतम चेयत असादित पार्थ न ये नो श्रद्धा के किए गए यज्ञ तप दान भजन पूजा पाठ न यहाँ फायदा करता है न आगे श्रद्धा से किया गया अभी भी अभी भी अच्छा लगेगा उसका फल भी अच्छा होगा परिणाम भी अच्छा आएगा बिना श्रद्धा के किया गया न अभी ही शांति मिलेगी न मरने के बाद उसका कोई फल होने वाला इसलिए भगवान कृष्ण के इस वचन को ध्यान रखते उनसे बड़ा ज्ञानी योगी अवतार कौन होगा उनका वचन नहीं मानेंगे तो फिर किसका मानेंगे अब आप श्रद्धा पूर्वक जप यज्ञ जप शांत होगा निर्मल मन होगा भजन से चित्त निर्मल होता है निर्मल चित्त से भजन करो चित्त निर्मल से निर्मल चित्त से भजन करो बाकी यदि पूर्व जन्मों का कोई होगा हो जाएगा जो होना अभी तो भजन करो अभी तो सच्चे मन से इच्छा इच्छा तो अच्छी करो इरादा तो अच्छा बनाओ इरादा होता है हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए होता तब है जो भगवान चाहेंगे प्रारब्ध होगा नहीं इलाज करने पर भी ठीक नहीं होता हम क्या होगा क्या ना होगा छोड़ दिया भगवान पर हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है यहां यूं भी वाह वाह है भी वाह वाह प्रकृति पर छोड़ दिया परमात्मा पर छोड़ दिया ग्रहों पर छोड़ दिया प्रारब्ध पर ग्रहों पर जैसे ग्रह होंगे हो जाएगा फिर तुम्हें क्या करना हमें भजन करना बस हमारा काम भजन है क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना हमारा काम नहीं हो जाएगा सो हो जाएगा एक तरह से अभी से मुक्त हो रहे छोड़ दिया मरना होगा हो जाएगा शरीर परिवर्तन होगा नींद आएगी जागना होगा होगा पर इस टाइम हम भजन कर रहे हैं जपते रहो जपते रहो जपते रहो जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर बरान आय पार्वती शंकर कह रहे हैं जब से सिद्धि प्राप्त होती है जब से सिद्धि होती है जब से जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर आ जप है प्राणायाम है प्रभु का स्मरण है स्मरण स्मरण भगवान दिखते हैं तो ठीक नहीं दिखते तो देखते हैं दो तरह के भगवान एक दिखते हैं भगत को एक देखते हैं भगत को वो खुद नहीं दिखते देखते हैं भगवान तुम्हें इस समय देख रहे हैं तुम्हारे भजन में नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम भगवान तुम्हारे जप में विद्यमान है जप यज्ञ जहां यज्ञ होता है भगवान उपस्थित रहते तुम्हारे जप में भी भगवान तुम्हारे जप के साक्षी हैं गवाही हैं। तुम जप जप करो जब जब करो तो एक ख्याल रखो प्रभु विद्यमान है मेरे भजन में मेरे ध्यान में आ, तुम्हें नहीं दिख रहे वो तुम्हें देख रहे तुम नहीं उन्हें जान रहे वो तुम्हें जान रहे तुम्हारे जप में हा हाजिर है भक्तों को भगवान दिखते हैं और कुछ भक्तों को भगवान दिखते नहीं भगवान देखते हैं तुम्हें दिख जाए तो ठीक ना दिखे तो समझो दिखते तो नहीं पर देख तो रहे हैं चीती के पग नूपुर बाजे सो भी साहेब सुनता है साहेब से कुछ छिपा नहीं है जपते रहो जपते रहो जपते रहो कुछ देर वाणी से जपो बैखरी वाणी से कुछ देर बिना आवाज के जबान तो हिले आवाज बिल्कुल ना हो जरा भी ना हो तो मध्यमा वाणी से जपो बैखरी वाणी से फिर मध्यमा वाणी से जपो धीरे धीरे होश में आकर सुरती से जपो सुरती से हाथ कान किसी से नहीं सुरती से जपो सुरती से जाप और अंत में उस जाप के भी ऊपर जाओ जाप चल रहा है जो जाप को देखता है उस परमात्मा में तुम लीन हो जाओ जो निराकार निर्विकार सदा हमारे मन का साक्षी है सदा अंतर्यामी है वो हमारे मन में ही है अंतर्यामी मन में है जाप करते 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 सुरति और शब्द को स्मरण करते करते तुम खो जाओ उसी निराकार में निर्विकार कुछ में। नहीं कर सकते तो केवल बुरा इरादा छोड़ो बाकी भगवान की जैसी मर्जी इसी तरह से सच्चा जाप का इरादा बनाओ जो तुम्हारे हाथ में है गति होवे मुक्ति होवे जन्म अच्छा होवे ऐसा जिसके लिए हम तरस रहे हैं अच्छा रास्ता मिल जाता यदि पुण्य होता तो जो धन हम चोरी से प्राप्त कर रहे हैं हमारी दुकान में ईमानदारी से मिल जाता और प्रारब्ध खोटा है तो चोरी करके पकड़े और जाओगे और धन भी छीन लिया जाए यदि आपके खोटा प्रारब्ध है तो पाने में दुख और होगा पकड़े और जाओगे हानि और होगी और यदि प्रारब्ध होगा तो अच्छे रास्ते से वही चीज मिल जाएगी वही धन मिल जाएगा वही पद मिल जाएगा वही प्रतिष्ठा मिल जाएगी परिवार मिल जाएगा अपने आप मिलेगा यदि आपका प्रारब्ध है पुण्य है अच्छे हो इसलिए यदि नहीं तो समझो कोई खोटा कर्म था तो तब तो था अब तो ना खोटा कर्म करें अब तो अच्छे रास्ते से चलें बहुत अच्छे निर्मल चित्त से पवित्र चित्त से शांत चित्त से सुमिरन करो नाम जपो आज हमने अपनी तरफ से कोई नाम का आग्रह नहीं किया आप अपने गुरु मत के अनुसार गुरु के दीक्षा के अनुसार या हिंदू होने के नाते जो आपको संस्कार में है उसका जाप पहले जबान से किया फिर उसका सहारा छोड़ा मन से किया फिर मन का भी साथ छोड़ा होश से किया और फिर होश भी छोड़ा होश के साक्षी होकर होश है कि नहीं है जाप है कि नहीं है श्रद्धा से कर रहे कि नहीं कर रहे अंदर एकाग्रता है या नहीं है सच्चा और सच्चा और सच्चा श्रद्धा से करो भक्ति से करो सत्व प्रधान होके करो सात्विक चित्त हो जाए तो आपको आत्मज्ञान भी होगा आनंद भी होगा शांति भी होगी जिस शांति आनंद के लिए हम गलत काम करते हैं वो शांति आनंद सही रास्ते से सुमिरन से मिल सकती है और गलत वाले से अशांति टेंशन समस्याएं बनती हैं सही रास्ते में टेंशन नहीं बनेगी शांति रहेगी हमारे एक संत पथिक जी हुए वो कहते जिन दुनिया में जितने दुख दुखते दुनिया में जितने दुख हैं अनुभव में आते हैं नजर आते हैं आपने अनुभव किया है वो सब अपनी किसी दोष का गलती का परिणाम है जहां गलतियों में एक तरफ सुख मिलता नजर आता है वहीं उसी के कारण हजारों दुख मिलते हैं इसीलिए हमारे दर्शन में है दुख में सुख बुद्धि हो गई है अनात्मा में आत्मा बुद्धि हो गई है अशुभ में अशुभ में शुभ बुद्धि अनात्मा में बुद्धि, अशुख में जो सुख नहीं है उसमें सुख बुद्धि हो गई है सुख तो भगवान में भी मिल सकता है पर पाप नहीं लेने देता ये आपने सुना होगा कथा में तुलसी पुरबले पाप से हरि चर्चा न सोहाय जब पाप होता है हरि चर्चा में मन नहीं लगता सोचो जरूर यह भी एक पाप है कि हरि चर्चा में तो मन नहीं लगे बहुत अच्छे तीन मिनट और बिल्कुल शांत हो जाओ बिल्कुल अचाह हो जाओ बिल्कुल निर्द्वंद हो जाओ और केवल नाम भज केवल नाम केवल नाम कोई चीज इस समय मन में न रख के निर्मल चित्त होकर भगवान के पुत्र होकर भगवान के भक्त होकर भगवान के अंश होकर भगवान के ही होकर थोड़ी देर नाम सुमिरो और मेरा कुछ नहीं है ना कुछ जाने वाला है माना भी है तो छोड़ दो इस समय ना कोई अपना है ना अपना कुछ मन है केवल बस हे प्रभु हम तेरे हैं हम तेरे हैं और तू तो करुणा का सागर है दया का सागर है प्रेम का सागर है पवित्रता का भंडार है तू तो सत्य है चैतन्य है आनंद है अद्वेय है क्या कहें तू क्या नहीं कर सकता अब हम तेरी शरण आ गए दो मिनट और नाम सुमिरन करते करते ये शरीर छूटे तेरा नाम जपते जपते इस दुनिया से जब हम जाएं तेरा नाम सुमिरन हो रहा हो अभी प्रैक्टिस ये संसार ऐसे ही रहेगा इसी में हमें समय सुमिरन का निकालना है शरीर ऐसे ही रहेंगे परिस्थितियां रहेंगी हे प्रभु तेरा सुमिरन करें संसार चाहे जैसा हो परिवार चाहे जैसा हो परिस्थिति चाहे जैसी हो हम तेरा सुमिरन कर सकें तेरी उपस्थिति का आनंद ले सकें तेरी रजा में राजी रहें तेरे हुक्म को पहचाने हो में से परे चले जाएं निराकार में निराकार होके मिल जाएं हम निराकार मन और इंद्रिय आकार बन बैठे हैं इसलिए अब हम निराकार निराकार में समा जाए छोड़ दें शरीर इंद्रियां मन इनको छोड़ दें सुमिरन करते करते निराकार हो जाए जैसे नदियां बहते बहते सागर में समा जाती हैं ये मैं भी संसार से मुक्त होकर ब्रह्मलीन हो जाए ब्रह्म में समा जाए संसार से निकलकर कर आकार से नि, निकलकर निराकार में आ जाए दृश्य से निकलकर दृष्टा में आ जाए जड़ से निकलकर चैतन्य में आ जाए मलिनता से आकर निर्मलता में पहुंच जाए कर्तापन से अकर्तापन में आ जाए अकर्तापन केवल इतना ही हे प्रभु हे प्रभु तू निराकार है तू निर्विकार है तू घटघटवासी है तू अंतर्यामी है तू सदाशिव है बहुत अच्छे और अब एक मिनट में धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ने की कोशिश कर बहुत अच्छे अब छोड़ दीजिए सहज भाव में आ जाइए कोई चीज अच्छी लगी हो कल्याणकारी लगी हो तो मन के कहे नहीं चलकर शास्त्र के कहे पर चलो मन तो पता नहीं कहाँ ले जाएगा मन और इंद्रियां संसार में ले जाती हैं परमात्मा की भक्ति सुमिरन ध्यान जाप कल्याण में ले जाती पर जिसका जैसा अंतकरण होता है उसकी उन्हीं बातों में रुचि होती है भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे अंतकरण मैं निर्मल नहीं कर सकता प्रभु आप तो करो मेरे अंतकरण को निर्मल करो जिससे मैं जीवन को धन्य कर सकूं औरों के भी काम आ सकूं अपना भी जीवन धन्य कर सकूं, अच्छे रास्ते पर चलो चलाने की कोशिश करो अब समय पूरा हो गया ओम शांति शांति शांति